गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडनकार जी। आज का टॉपिक है हैप्पी वैलेंटाइन डे। प्यारी सत्संग जी, वैलेंटाइन, अगर इस शब्द की हम गहराई पे जाएं तो यहाँ पर एक भाव आता है वेल इन टाइम, कि हमारा जो समय है वो सुंदर हो, हमारा समय अच्छा हो, हमारा समय बहुत खूबसूरत हो, तो वेल इन टाइम वैलेंटाइन। तो ये जो वैलेंटाइन डे दुनिया मनाती है, तो इसमें एक प्यार का दिन है कि सभी एक दूसरे को अपने प्रेम का इजहार करते हैं। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से प्रेम का इजहार करता है। तो यहाँ पर जो एक भाव दास ने बताया कि वेल इन टाइम, कि अगर जीवन में प्यार है, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारा टाइम अच्छा रहता है। प्यार से ही टाइम अच्छा होता है। जो प्यार करते हैं, प्यार करना जानते हैं, प्यार से जीवन को बिताते हैं, तो उनका समय अच्छा होता है, उनका जो टाइम है बहुत अच्छा होता है, वेल इन टाइम। वो समय से बिल्कुल ठीक रहते हैं जिस जीवन में प्यार है। और यही बात हमारे सद्गुरु जी हमें सिखाते हैं कि सबसे प्यार करो। हमारा मिशन ही प्रेम का मिशन है। बस एक अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। तो यही मानवता के लिए संदेश हर युग में दिया है। जितने भी संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर दुनिया में आए, सभी ने मानवता से प्रेम करने के लिए कहा है कि सारी मानवता से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, ना को वैरी ना को बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। यह पहला सबक किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, सब जग उपजे कौन भले को मंदे। सभी अपने हैं, सारे ही अपने हैं, सभी से प्यार करना है। यही पैगाम सदा से हर युग में हर संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर ने दिया है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी हमें समझाया कि ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्रेम से ही ये दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। ना वैर ना तकरार की अब है जरूरत प्यार की। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। कि जीवन का जो गुलशन है ये प्रेम से ही मधुर बनता है, प्रेम से ही सुंदर बनता है, प्रेम से ही जीवन में मिठास आती है। और ये प्रेम बांटने की चीज है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि प्रेम बांटने की चीज है, प्रेम बटोरने वाली चीज नहीं है। संत महात्मा सभी से प्यार करते हैं, प्यार देते ही चले जाते हैं। प्यार का मतलब है गिव गिव गिव, देना, देते ही रहना, प्यार की बारिश करते ही रहना। और ये संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर हमेशा प्रेम की बारिश ही करते हैं। सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सदगुरु जब दुनिया में आते हैं तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम का पैगाम देते हैं। संतरंकारी मिशन का मतलब ही है प्रेम। हम सभी एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं, प्रेम से हम धनरंकार जी बोलते हैं। हमेशा हम यही कहते हैं कि सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी।
यानी प्रेम है यहाँ पर। लव इज गॉड, गॉड इज लव, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि परमात्मा तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरी जुग पानी, कि जिसके दिल में प्रेम है उसको सारा संसार सिया राम में दिखता है। सब में सीता राम ही दिखते हैं, सब में परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सब में परमात्मा दिखाई देगा, सब में हम प्रभु के दर्शन करेंगे, तो फिर हम सबसे प्रेम करेंगे। सारा संसार अपना है, सारी दुनिया अपनी है, तो हमें सबसे प्रेम करने के लिए ही कहा जाता है। अब यहाँ पर जो वैलेंटाइन है, तो यहाँ पर ठीक है, इस संसार की दृष्टि में एक ये त्योहार प्रेम का त्योहार मनाया जाता है। एक प्रेमी अपने दिल की बात दूसरे प्रेमी से करते हैं, तो ये तो एक संसार की दृष्टि से देखें तो कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज करते हैं, बहुत सारे दिन मनाते हैं, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, ऐसे बहुत सारे दिन हम मनाते हैं। और ये फिर एक वैलेंटाइन डे कि प्रेम का इजहार करना, अगर कोई संसार में किसी को पसंद करता है, लाइक करता है, तो वहां पर वो एक दूसरे को आई लव यू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एक संसार का जो एक प्रेम है वो तो वहां पर एक स्वार्थ रहता है। संसार जो है आकर्षण को, स्वार्थ को प्रेम समझता है, लेकिन जो एक सच्चा प्रेम है वो प्रभु परमात्मा के साथ होता है। भक्त भगवान को बोलते हैं आई लव यू, ये प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। सच्चा प्रेम होता है इस निरंकार के साथ, सदगुरु के साथ। प्रीत बहुत संसार में नाना विध की सोए, उत्तम प्रीत सो जाने सदगुरु से जो होए। सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, प्रीत जहां की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सद्गुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है, कहे हृदय गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सद्गुरु से प्रेम सच्चा प्रेम है, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। तो जहां पर प्रेम है फिर वहां पर वैलेंटाइन है, वेल इन टाइम, कि वो टाइम बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत सुंदर समय आता है। जिस घर में प्रेम है, जिस दिल में प्रेम है, तो वहां अच्छा ही अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। प्रेम से ही घर परिवार सुंदर होता है, स्वर्ग बन जाता है। जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है, वहीं पर शांति है। लेकिन प्रेम मिलता है प्रभु के दरबार में। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। यानी यहां पर शीश देने का मतलब विनम्र, जो विनम्र हो गया है, जिसने अपने आप को मिटा दिया है, उसे प्रेम मिल जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जिन प्रेम की उतनी प्रभु पायो, जो विनम्र है, सदा नम्रता में ही रहना या मुर्शद का कहना है। झुक कर चलना सदा जगत में है, गुरसिख का कहना है। झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। तो जिसको झुकना गया, विनम्र हो गया, उसको खुदा मिल गया, निरंकार मिल गया, यानी उसे प्रेम मिल गया। खुदा का मिलना ही प्रेम का मिलना है, परमात्मा का मिलना ही प्रेम का मिलना है। जिसे परमात्मा मिल जाता है उसे प्रेम मिल जाता है, और फिर उसका हर समय अच्छा होता है, वेल इन टाइम, कि उसका पल पल अच्छा होता है। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। और मानव जीवन सुंदर होता है प्रेम से। ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, कि प्रेम प्रभु के चरणों में मिलता है। प्रेम की कोई खेती नहीं होती है, प्रेम तो दिल में उगता है।
सच्ची भावनाएं, निर्मल भावनाएं, जिसका दिल साफ है, शुद्ध है, पाक पवित्र है, उसी दिल में प्रेम पैदा होता है। प्रेम तो रूह से रूह का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। रूह से रूह जब मिल जाती है तो प्रेम की दिव्य अनुभूति होती है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, प्रेम आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जहां पर मिलन है वहीं पर प्रेम है, प्रेम मिलाता है। प्रेम का काम है मिलाना, एक दूसरे को मिलाना, एक दूसरे को जोड़ना। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धार्मिक वही है जो प्रेम करना जानते हैं। प्रेम हमेशा जोड़ने का काम करता है, जोड़ने वाला ही काम करता है, सबको जोड़ता है। आज हमारा मिशन सबको जोड़ रहा है, क्योंकि हमारा मिशन ही प्रेम का मिशन है। सारी दुनिया में हम एकत्व का पैगाम दे रहे हैं कि सारे अपने हैं, वननेस की बात करते हैं कि सभी अपने हैं, सारा संसार अपना है, पूरी मानवता अपनी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि जो हरि का जन हो गया फिर वो प्रेमी जन हो गया। जो प्रेमी जन है वही तो हरि का जन है। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कि जो हरि के रंग में, निरंकार के रंग में रंग गया फिर वो प्रेम में डूब गया। फिर उसका हर पल सुहाना है, हर पल अच्छा है, उसका हर पल वेल इन टाइम है। कि उसका टाइम वेल है, टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो प्रभु को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, जो ब्रह्मज्ञानी संत हो जाता है, जिसके जीवन में ब्रह्मज्ञान आ जाता है, जो ब्रह्मज्ञान ले लेता है, तो उसका वेल इन टाइम आ जाता है, अच्छा टाइम आता है। और हर पल वो खुश रहते हैं। जो प्रेम करते हैं वो हर पल खुश रहते हैं। प्रेम से ही जीवन में खुशियों का जन्म होता है। बिना प्रेम के जीवन में खुशी नहीं मिलती है। तो खुशी मिलती है सत्संग में, क्योंकि वहां पर प्रेम होता है। सत्संग में आपस में एक दूसरे को हम प्रेम करते हैं, सत्कार करते हैं, धन निरंकार जी करते हैं। तो जहां पर रिस्पेक्ट है वहां पर प्रेम है, जहां पर प्रेम है वहां पर रिस्पेक्ट है। तो जहां पर ये प्रेम है, सद्भाव है, तो फिर वहां पर अपने आप खुशियां ही खुशियां आती हैं, अच्छा टाइम आता है, वेल टाइम आता है। तो ये जो वेल इन टाइम की बात की जाती है, वेल इन टाइम वेलेंटाइन, तो ये वेलेंटाइन का मतलब यही हुआ कि हम सब हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का आदर करें, सबको प्रेम बांटते हुए चले जाएं। और दास की तरफ से आप सभी को हैप्पी वेलेंटाइन डे। यही अरदास प्रार्थना है सदगुरु माता जी के पावन चरणों में, कि हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करें, मिलवर्तन भाईचारे के साथ में रहें, और इस मन को निर्मल पावन पवित्र करें, इस निरंकार के साथ जोड़कर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटछल बिल्कुल ना भावा। तो दिल साफ मन मक्का, दिल द्वार का काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योत पहचान। कि मन ही मक्का मदीना काशी काबा है, मन ही मंदिर है, मन ही मस्जिद है। जब मन निर्मल हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया, सारे तीर्थ स्थल हमारे मन में ही आके बस जाते हैं, और फिर प्रेम बस जाता है। तो जहां पर प्रेम है वहां प्रभु हैं, और फिर हर पल हैप्पी होता है, हर पल हैप्पी हैप्पी खुशहाली जीवन में आती है। तो एक बार फिर से आप सभी संतों को हैप्पी वेलेंटाइन डे। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।